वन विभाग लाड़कुई सामान एवं वन विकास निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए एक मारुति वैन कार से सागौन की सिल्लियां जब्त करने में सफलता हासिल की है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर वन माफिया वाहन छोड़कर रफू चक्कर हो गए हैं। वन परिक्षेत्र लाड़कुई के संबंधित विभाग द्वारा लगातार वनों की कटाई एवं वनों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार विभाग द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है, परंतु इसके बाद भी वन माफिया वनों की कटाई एवं परिवहन करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी संदर्भ में विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि बिलाखेड़ा मार्ग पर सागौन से भरी हुई एक मारुति वैन से सागौन की सिल्लियों का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वन विकास निगम एवं वन विभाग लाड़कुई सामान मौके पर जा पहुंचा, जहां से मारुति वैन कार को जब्त किया, जिसमें 0.54 घन मीटर सागौन के 7 नग बरामद किए गए हैं। हालांकि सागौन की सिल्लियों की कीमत 30,000 एवं वाहन की कीमत लगभग 40,000 के करीब बताई जा रही है। रेंजर नवनीत झा, वन परिक्षेत्राधिकारी लाड़कुई। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से वनों की कटाई लगातार बदस्तूर जारी है और वन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से सागौन के सिल्लियां बनाकर परिवहन की जा रही है, वन विकास निगम एवं वन सामान्य वन तक माफियाओं पर अंकुश लगाने में कामयाब होता है। सर, देखा जा रहा है लगातार जब्ती की जा रही है वन विभाग या सामान्य वन विभाग द्वारा, जी वन विकास निगम द्वारा, तो क्या कारण है कि इतनी तादाद में वाहन ये परिवहन किया जा रहा है अवैध रूप से? अवैध परिवहन तो क्या, अब हालांकि हमारी कोशिश जारी रहती है, कम से कम जितना अंकुश लग सके उतना अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, नाइट गश्त भी करते हैं, ये करते हैं। बाकी मुखबिर जो और उनके जो मुखबिर हैं वो हमारी ज़्यादा रेखी करते हैं। गाड़ी कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अपने वन कर्मियों की भी अनदेखी कही जा सकती है इसमें, जिस हिसाब से तादाद में लकड़ियाँ कट रही है और अवैध परिवहन किया जा रहा है? नहीं, अनदेखी तो ना कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पदस्थ स्टाफ बहुत कम है। जैसे अब वो पूरा इसका भिलाई जो ये कार्रवाई करते हैं रोकने, मतलब अवैध परिवहन को रोकने, क्या कारण है कि लगातार ये कार्रवाई होने के बाद भी वनों की कटाई देखी जा रही? लाड़कुई वन परिक्षेत्र सामान और लाड़कुई वन विकास निगम, मूलतः हमारे द्वारा 14,000 हेक्टेयर से अधिक जो हिस्सा है हमारे परिक्षेत्र का वो वन विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है। चूँकि दोनों ही विभागों की कार्य पद्धति भी अलग है, कभी कभी हमें सामंजस्य बैठाने में कमी का सामना करना पड़ता है, संतुलन की कमी हो जाती है। फिर भी लाड़कुई वन परिक्षेत्र और लाड़कुई वन विकास निगम के दोनों ही गश्ती दल सामूहिक रूप से प्रयासों के माध्यम से इन वनों की कटौती को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो देखा जा रहा है कि लगातार जो अभी तक भी जितने वाहन पकड़े गए सारे वन विकास निगम के क्षेत्रों से ही निकल के बाहर आ रहे हैं, तो क्या इसमें सामंजस्य वन विकास निगम नहीं बिठा पा रहा है क्या सामान्य के साथ? वन विकास निगम के जो कर्मचारी हैं, जितने भी गश्ती दल के सदस्य हैं, लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। कभी कभी ये संपर्क टूट जाता है, कभी कभी सामंजस्य की कमी हो जाती है, लेकिन अधिकतर हमें सहयोग मिलता है। और जहाँ तक है कि जो निगम के क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र में से अधिकतर जब्तियाँ करके भी लेकर के आते हैं इस सामंजस्य और सहयोग के आधार पर। ठीक है।